सब्सक्राइब कीजिए टोटल हिंदी टेक्निकल को, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और कंपोनेंट की जानकारी के लिए, वो भी हिंदी में। और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कौन सा डायोड कितने एम्पियर के लिए होता है और कौन सा डायोड हमें कहाँ लगाना चाहिए। दोस्तों उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि सर आप ब्रिज रेक्टिफायर बना देते हो, लेकिन वो क्या है, हम जैसे उस पर लोड देते हैं, जैसे उसे सर्किट से जोड़ते हैं तो हमारा रेक्टिफायर उड़ जाता है और आगे करंट जाना बंद हो जाता है। तो दोस्तों उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मोस्टली तीन प्रकार के डायोड ही होते हैं, इनसे अलग एक दो मॉडल और है, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इनमें मैं बताना चाहूँगा कि कौन सा डायोड हमें कहाँ लगाना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं इनकी रेटिंग बतानी चाहूँगा कि कितने एम्पियर का कौन सा डायोड होता है। दोस्तों ये जो हमारा छोटा डायोड होता है इसका नाम है IN4007। ये सबसे छोटा मॉडल होता है डायोड का। तो दोस्तों ये लगभग एक एम्पियर के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी अगर हमारा सर्किट बहुत कम करंट के लिए होता है, लगभग एक एम्पियर के लिए, वहाँ पर हम इस डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर लगा सकते हैं। और दोस्तों दूसरा हमारा जो डायोड है वो मीडियम साइज़ है, ये हमारा 3 एम्पियर के लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर हमें 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेंगे तब हम इसे लगा नहीं सकते, लेकिन अगर 1 एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में हमारा करंट है तो हम इस डायोड का यूज़ करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए, डीसी बनाने के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ा डायोड ये होता है, ये वाला, ये सबसे बड़ा डायोड है और इसका जो करंट रेटिंग है वो 6 एम्पियर है। हाँ दोस्तों जहाँ पर आपको ज़्यादा करंट का यूज़ करना है, ज़्यादा बड़ा सर्किट लगाना है, लगभग 15-20 एम्पियर का आपको ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए, तो वहाँ पर आप इस 6 एम्पियर के डायोड को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक मैंने यहाँ पर इनका छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। अगर आपको छोटा मोटा सर्किट बनाना है 2-3 एम्पियर के लिए तो आप 1 एम्पियर वाले डायोड का यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपको 3-5 एम्पियर का कोई ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए तो फिर आप 3 एम्पियर वाला डायोड यूज़ करिए। लेकिन अगर आपको 15-20 एम्पियर का कोई सर्किट बनाना है, डीसी सर्किट, तो फिर आप 6 एम्पियर वाला ये डायोड यूज़ करें। तो दोस्तों इस तरह से आप डायोड की क्लासे को डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा डायोड आपको कहाँ लगाना है और कौन सा डायोड वहाँ के लिए उपयुक्त है और ये नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा या आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि कौन सा डायोड आपको कहाँ लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और दोस्तों अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की सारी वीडियोज़ मेरी हिंदी में आती है। और दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। और दोस्तों नमस्कार।